ओहो, मजा आ रहा है यार पकड़। तो अस्सलाम वालेकुम भाई बहनों, तो क्या हाल चाल है यार। तो आज के ब्लॉग में मैं अपना मोबाइल चेंज करने जा रहा हूँ, और वो मोबाइल क्यों चेंज करने जा रहा हूँ उसका भी आपको बताऊँगा क्यों मैं चेंज करने जा रहा हूँ, और आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स दूंगा कि जो आपके काम आएंगी, अगर आप मोबाइल बाय कर रहे हैं तो आपके बहुत काम आएंगी वो। तो वो बता, तो सबसे पहली बात ये है कि मोबाइल चेंज क्यों कर रहा हूँ मैं, तो आपको इस मोबाइल की पहले वीडियो दिखा देता हूँ। तो यार ये वाला मोबाइल है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये यहाँ से टूटा हुआ है पूरा, यहाँ से भी टूटा हुआ है, और इसका पावर बटन भी नहीं है, और इसकी बैटरी भी मतलब काफ़ी ड्रेन होती है, तो इस वजह से मैं मोबाइल चेंज कर रहा हूँ। आपने देख लिया कितना टूटा हुआ है मोबाइल है, और इसके जो अंदर भी हैं कुछ मसले वगैरह हैं, जैसे कि बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन करता है, और काफ़ी ऐसे छोटे छोटे इशू हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो इस वजह से मैं मोबाइल चेंज कर रहा हूँ। और मैं रेडमी का रेडमी 9 लेने जा रहा हूँ, जो कि बहुत कमाल फ़ोन है, एकदम सब तगड़ी स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर, और 1080p डिस्प्ले जो कि इस प्राइस रेंज में कोई भी नहीं देता, तो नॉट स्पॉन्सर। आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि आपको कैसे पता चले कि ये मोबाइल ठीक है आपके लिए, नहीं ठीक, और कैसे आपको पता चलेगा कि मोबाइल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो जो भी मोबाइल लेना है आपकी बजट, पहले आप एक बजट फिक्स करें कि मुझे इस बजट में मोबाइल फ़ोन लेना है। जैसे कि मेरा है कि मैंने 20,000 या 25,000 मेरा बजट है कि मैंने इस बजट में मैंने कोई भी मोबाइल फ़ोन लेना है। फिर उस बजट के हिसाब से आप अपनी कैटेगरी में देखिए कौन सा ऐसा मोबाइल फ़ोन है जो कि मतलब कौन से ऐसे मोबाइल फ़ोन हैं जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं 20-25,000 वाली में। तो फिर आप उन सब फ़ोन के रिव्यू चेक करें, अनबॉक्सिंग चेक करें, कैमरा टेस्ट चेक करें, जो भी मतलब जिस चीज़ के लिए आपने लेना है, जैसे पबजी के लिए आप ले रहे हैं फ़ोन, तो गेमिंग के लिए कौन सा बेस्ट है वो आप चेक करें। तो ये सब डिपेंड करता है आपके यूजेज पर कि आपको किस लिए मोबाइल चाहिए, क्या करेंगे मोबाइल का, मतलब किस टाइप का आप यूजेज करेंगे, आप डेली की एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, या आपका हाई यूसेज है तो आप ज़्यादा बैटरी वाला फ़ोन लें। ये जो टिप मैं देने जा रहा हूँ ये काफ़ी आपके लिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, वो ये कि आप जब भी मोबाइल लेने जाएं, कोई सा भी यूज़ में लेना है, बॉक्स पैक लेना, कोई भी मोबाइल फ़ोन लेने जाएं, आप अपने साथ कोई ऐसा बंदा लेकर जाएं जिसको कुछ मोबाइल के बारे में नॉलेज हो, कुछ पता हो, जिसने काफ़ी चलाए हों। तो ये भी यही कुछ टिप्स वगैरह थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत हेल्प करेंगी। अगर आप फ़ोन कोई लेना चाहते हैं, कोई भी एक्सेसरीज लेना चाहते हैं, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगी, और यू कैन थैंक मी लेटर और कमेंट बिलो। तो गलती मैंने ये की कि जब मैंने ये मोबाइल लिया तो इसके बॉक्स पे लिखा था वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट, तो मैंने पता क्या किया, मैंने मोबाइल का कवर उतारा, धो दिया साबुन से, और मैंने देखा तो मोबाइल जो है ना ऑटोमेटिक उसके टचेज हो रहे हैं, और मतलब मैं फुल कन्फ्यूज़ हो गया। तो कुछ देर मतलब उस टाइम ना रात के 1 या 2 बज रहे होंगे, तो कुछ टाइम बाद वो ठीक भी हो गया था, बट अभी भी इसमें कुछ इशू हैं, तो इसी वजह से वो बैटरी ड्रेन का इशू है। तो जब भी आप मोबाइल लेकर आएँ, आप लोग ये भरोसा नहीं रखें कंपनी ने वाटर लिखा हुआ है तो पानी के अंदर ही डाल लें, नहीं नहीं नहीं, कंपनी पर भरोसा ना करो, मोबाइल तुम्हारा है, तुमने यूज़ करना है तो सेफ़। तो हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं शॉप पर, और हमाद को मैंने उठा लिया, और हमें भूख लगी हुई थी तो फिर मंगवाइए, और अभी हम खाएंगे। फिर रायता नहीं आया, इन्हों कह रायता ले क्या है यार, रायता बगैर मज़ा ही नहीं है। बड़ी मुश्किलों के बाद हमें Redmi 9 मिल गया है, और बस अब घर जाके इसको अनबॉक्स करना है, अनबॉक्स नहीं किया हमने, घर जाके करेंगे वो सब चीज़ें। तो अभी हम आज के स्टूडियो आए हैं, और ये अभी अनबॉक्सिंग करेगा इसकी, तो फिर दिखाता हूँ। तो इसने ये देखो ये कैसा जुगाड़ किया है, इसमें ये बॉक्स रखा हो, उस पावर बैंक का लाइट से वीडियो बनाता है, और अब अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ना देख रहे हो मेहनत, देख रहे हो ये साबुन, ये तेल, ये मेहनत देख रहे हो। तो ये पहली अनबॉक्सिंग हो रही है हमारे चैनल के ऊपर Redmi मोबाइल फ़ोन की। तो अभी मैं जो है वो दिखा देता हूँ, सबसे पहले
अगर कैमरा फोकस कर ले मेरा, तो ये आपको जो है वो इधर से बॉक्स देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर हम देखेंगे क्या हमें देखने को मिलता है। सिम इजेक्टर टूल है सबसे पहले हमारे पास, और उसके अलावा इसके अंदर कुछ क्विक स्टार्ट डायोड वगैरह है। ये वारंटी कार्ड है, इसको मैं कर लेता हूँ साइड पे, और उनकी तो ये हमारा स्मार्टफोन आ गया हमारे पास। तो ये देख सकते हैं बहुत प्यारा लुक आ रहा है अभी से, और काफ़ी अच्छी मज़ा आ रहा है यार पकड़। तो यार फाइनली इसने अनबॉक्सिंग कर लिया और काफ़ी अच्छा है यार, मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है। जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो बहुत ही छोटा है, तो काफ़ी अच्छा है। मैं अब डेटा वेटा इसमें कॉपी वगैरह करके फिर मिलता हूँ आप। The next day यार फाइनली आज है अगला दिन, और इससे पहले जो आपने फुटेज देखी वो थी कल की। और रात हमारा ट्रांसफार्मर जल गया था लाइट का, तो रात सारी लाइट नहीं आई। बाकी मैंने जनरेटर वगैरह चला के इसके थोड़ा सेटअप वगैरह कर लिया था, और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है Redmi 9 के फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, तो क्वालिटी आप लोग चेक कर सकते हैं। माइक मैंने अपना बोया का लगाया हुआ है, तो हाँ क्वालिटी आप देख सकते हैं। बाकी मुझे कोई भी इतना इशू नहीं है इस मोबाइल में, बैटरी भी बहुत बहुत ज़्यादा कमाल है, बाकी सब चीज़ें ओके हैं। 1080p डिस्प्ले बड़ा ही स्मूथ चलता है। तो मैंने Redmi 9 से कुछ पिक्चर वगैरह खींची थी, तो वो आप चेक करें। बाकी यार फ़ोन बिल्कुल ओके, बिल्कुल सेट है, हर चीज़ प्रॉपर है। तो व्लॉगिंग के लिए तो मेरे लिए तो बस ठीक है, बाकी मैंने व्लॉगिंग के लिए नहीं लिया था इसे, बाकी हर चीज़ के लिए लिया था, क्योंकि इसमें प्रोसेसर बहुत अच्छा है, बैटरी बहुत ज़्यादा है, और हर चीज़ ओके। तो मैंने खाली व्लॉगिंग के लिए लिया, मैंने हर चीज़ के लिए लिया था इसे। तो वैसे जो इसकी प्राइस है वो है 21,500, लेकिन हमें मिला है 20,500 का। ऑफलाइन मार्केट से काफ़ी आपको डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ऑफलाइन बाय करते हैं तो। तो बाकी सब ओके, अभी मैं इसको मतलब चलाऊंगा, मज़े वज़े करूंगा, फिर इसको ई ब्लॉग भी अपलोड करना है। तो यही था आज का ब्लॉग, उम्मीद है ब्लॉग आपको पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक करना, ज़्यादा पसंद है तो शेयर करना, अगर और ज़्यादा पसंद है तो सब्सक्राइब करना, अगर और ज़्यादा पसंद है तो दोस्तों को बताना। तो फिर मिलते हैं कहीं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।